गुड मॉर्निंग हिमाचल। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने रिवालसर झील का लिया जायजा। कुल्लू बस अड्डा में एक ही छत के नीचे मिलेगी सारी सुविधाएं। जेबीटी भर्ती में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई 11 सितंबर तक टली। और अब खबरें विस्तार से। आपदा राहत कार्यों का निरीक्षण तथा हाल में हुई भारी बरसात से रिवालसर झील को हुए नुकसान का जायजा लेने रिवालसर पहुंचे उद्योग, संसदीय मामले एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ऐतिहासिक रिवालसर झील को भविष्य में कोई नुकसान न हो, इसके लिए जरूरी पग उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रिवालसर झील से यहाँ का नाम प्रसिद्ध है। तीन धर्मों से जुड़े लोगों की झील के प्रति सदस्यों से गहरी आस्था रही है। भारी मात्रा में गाद आने से पवित्र झील को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बरसात के दौरान सात लगती पहाड़ियों से निकला मलबा पानी के रास्ते झील में समाया है, जिससे इसकी गहराई और इसका दायरा कम हुआ है। प्रदेश सरकार ने प्रशासन से इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें किस तरह से झील को सुरक्षित किया जाए यह सुनिश्चित किया जाएगा। और माननीय हमारे पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी जी हैं, इन्होंने आज ये रिवालसर झील का निरीक्षण करवाया है और इसमें बहुत सारी गाद आई है और इसका जो दायरा है वो उसका झील का दायरा कम हुआ है। तो हम जो है उसकी विस्तृत रिपोर्ट मंगवाएंगे और करेंगे कि इसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से, क्योंकि पीछे से पहाड़ से जो है बारिश के पानी के साथ जो मिट्टी आ रही है और इसका जो सेटल होकर के इसको छुट्टी कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे इसकी कि इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से एक DPR बनाई जाएगी इसकी, ताकि आने वाले समय में इसकी जो लॉन्ग रक्षा की जाए। क्योंकि तो रिवालसर में जो झील है ये एक बहुत प्रसिद्ध झील है, धार्मिक झील है और रिवालसर का नाम जो है इस झील से जुड़ा है, तो ये सरकार की और हमारी जिम्मेवारी बनती है इस झील की रक्षा करना। और यहाँ इस क्षेत्र में जो भी नुकसान हुआ है, कुछ घरों को नुकसान हुआ है, वो देखते हुए हमारे और हमने प्रशासन को राय दी है कि जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको उचित कंपनसेशन दिया जाए और जहाँ सड़कों में को भी नुकसान हुआ है, अभी सड़कें तो रिस्टोर की है मगर परमानेंट रिस्टोरेशन नहीं हुई है, जहाँ डंगे लगने की जरूरत है, सड़कों को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो बड़े पैमाने पर जो है वो किया जा रहा है। और उसके बाद अब हम जो है धर्मपुर में जा रहे हैं और धर्मपुर क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है, तो कल हम उसको उसका जायज़ा जो है वो लें। थैंक यू सर। कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा पर्व के उपलक्ष्य पर अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित आधुनिक बस अड्डा कुल्लू को आम जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीक से करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे कुल्लू बस अड्डा में कार्य अंतिम चरण में है। यहां पर एक ही छत के नीचे ट्रांसपोर्ट से संबंधित कई सुविधाएं मिलेंगी। बस अड्डे का आधुनिकरण तरीके से निर्माण होने के चलते यहां पर बसों के पार्किंग करने की क्षमता 40 अधिक बढ़ गई है। दूसरी ओर सुलभ शौचालय सहित पेयजल की भी यहां पर व्यवस्था सहित कैंटीन, सिनेमा थिएटर, अन्य दूसरी नामी कंपनियों के भी ब्रांडेड शोरूम यहां पर स्थापित हो रहे हैं। इस बस अड्डा को आगे लीज पर दिए जाने की सूरत में PPPA मोड पर चलाया जाएगा। सर, वर्तमान में जो कुल्लू का आधुनिक बस अड्डे का निर्माण किया गया है, चल रहा है, किस तरह से क्या फैसिलिटियाँ दी जा रही हैं, क्या क्या वर्तमान में चल रहा है? इस बस स्टैंड में मॉल बन रहा है, सिनेमा हॉल है, आपका अम्यूजमेंट है, गेमिंग आर्ट है, इसमें आपका नेशनल एंड ग्लोबल रिटेल ब्रांडेड मिलेंगे यहाँ पर। और अभी इस बस स्टैंड का काम चला हुआ है और ये 2018 में स्टार्ट हुआ था और दशहरे के आसपास ये तैयार हो जाएगा। सर, यहाँ पे इतने स्ट्रक्चर में ये बस स्टैंड तैयार हुआ है हिमाचल में, शायद दूसरा कोई विकल्प भी नहीं सर के बस स्टैंड का, तो किस तरह से देखते हैं आगे के लिए इसको, क्या करेगी सरकार, किस तरह चलेगा ये काम? ये भी काम चला हुआ और इसकी इस बस स्टैंड में सबसे बड़ी बात ये है कि ये दशहरे के बाद ये जो बस स्टैंड तैयार होगा तो इस बस स्टैंड में हर फैसिलिटी मिलेगी सर। जैसे बस स्टैंड का दायरा बढ़ा है तो बसों की कैपेसिटी भी बढ़ी है सर, यहाँ पे पार्किंग किस तरह से क्या है? 2018 में जो आपकी जो बसों का यूनिट था, आज की डेट में कम से 40-50 बसें और हमारी इसमें एडजस्ट हो गई इस बस स्टैंड में। सर, इस तरह का बस स्टैंड और कहीं पैटर्न पे बन रहा है कि पहला बस स्टैंड है इस तरह का, किसने उद्घाटन किया था और आगे क्या है इसका, क्या है इसका उद्घाटन? सर, जिस बली ने किया, उस टाइम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बस स्टैंड का उद्घाटन किया था और फिलहाल तो अभी ऐसा काम भी चल रहा है। सर, जैसे 2018 से शुरू हुआ है आपने बोला काम इसका, अब 3 लग पड़ रहा है, इतना लंबा काल बीत गया, तो कब तक कैसे क्यों विलम्ब हुआ बीच में इतने काम के लिए, क्या रहा है? बीच में कोरोना लगा
तो उसमें कुछ साल डेढ़ दो साल इसका काम स्टॉप रहा साल भर, यूज़ करके अब बता रहे हैं कि शायद तक ये कम्प्लीट हो जाएगा। क्या पीपीए मोड पे चलेगा, कुछ जगह को लीज पे दिया जाएगा, किस तरह से क्या रहेगा एचआरडीसी के लिए? तो बता रहे थे कि लीज पर है, 40 साल की लीज के लिए बता रहे थे। अच्छा ठीक सर। राजस्थान के जेबीटी भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से बीएड धारकों के खिलाफ फैसला आने के बाद प्रदेश हाई कोर्ट में ऐसे ही मुद्दे को लेकर लंबित पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई 11 सितंबर के लिए टल गई। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हिमाचल हाईकोर्ट ने भी बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य करने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निर्धारित की थी। हिमाचल हाईकोर्ट के समक्ष स्कूल शिक्षा बोर्ड की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इसमें बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य किया था। इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।